हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और मेहुल चोकसी पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भगोड़े मेहुल चोकसी पर फैसला टल गया है। डोमिनिका की कोर्ट ने मेहुल पर फैसला कल तक के लिए टाल दिया है। हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुनवाई पूरी हो चुकी है। मेहुल को भारत भेजा जाएगा या एंटीगुआ, यह फैसला अब कल तक के लिए टाल दिया गया है। अबे पराशर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अबे, जो अपहरण की बात कही गई थी उसे निराधार कोर्ट ने बताया, और क्या कुछ कहा गया है, अब कल इस पर फैसला होगा? देखिए बिल्कुल, जहां तक अपहरण की बात है मेहुल चौकसी की, उसको लेकर लगातार ये दलील दी जा रही थी कि मेहुल चौकसी को जो है किडनैप करके डोमिनिका भेजा गया। लेकिन जो दलील लगातार दी गई, प्रोसिक्यूशन की तरफ से दलील दी गई, जो तमाम एजेंसियां वहां पर मौजूद थी उनकी तरफ से दलील दी गई, उसमें कहा गया कि अपहरण नहीं किया गया था। हालांकि अभी सुनवाई को टाल दिया गया है, सुनवाई पूरी हो चुकी है, क्योंकि रिजर्व जो है, ऑर्डर जो है वो कल तक के रिजर्व कर लिया गया है। कल ये पता लगेगा कि जो भारतीय एजेंसियां ये लगातार कोशिश कर रही हैं कि मेहुल चौकसी, जो कि 13,500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी है, उसे इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाए सीधा डोमिनिका से। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो अगर हम बात करें चौकसी की लीगल टीम की, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उसे एंटीगुआ शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वो वहां का, उसके वहां की नागरिकता हासिल कर रखी है। तो तमाम तरह की बातें हैं। इंडिया टीवी ने एक्सक्लूसिव बात भी की है मेहुल चौकसी की पत्नी से, उन्होंने तमाम तरह की जवाब जो है वो दिए हैं। अब देखना यह होगा कि ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है, कल डोमिनिका की अदालत क्या फैसला लेती है, उससे यह साफ होगा कि मेहुल चौकसी सीधा भारत वापस आता है। बहुत-बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए अबे पराशर आपका। और मेहुल चौकसी किसी तरह बच जाए, इसकी कोशिश उसका पूरा परिवार भी कर रहा है। आपसे कुछ देर पहले हमारे रिपोर्टर अबे पराशर ने भगोड़े मेहुल चौकसी की पत्नी प्रीति चौकसी से बात की। प्रीति इस वक्त एंटीगुआ में मौजूद है। प्रीति ने उस मिस्ट्री गर्ल के बारे में तफसील से बताया है। ये वही मिस्ट्री गर्ल है जो डोमिनिका में मेहुल चौकसी के साथ नजर आई थी। मैम, ये जो खबर चल रही है, जो एंटीगुआ मीडिया के हिसाब से जो खबर चल रही है कि ये जो बरबरा नाम की जो ये महिला है, ये कहाँ की हैं और मिस्टर चौकसी के संपर्क में कैसे आई? वो कहाँ की है, वो एक्चुअली रियल बाबरा कौन है वो नहीं मालूम है, लेकिन जो बाबरा क्लेम कर रही थी जो लेडी यहाँ थी, वो हंगरी की थी। ओके, एंड सॉरी, व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन मैम? ये मेहुल चौकसी के संपर्क में कैसे आए, एंटीगुआ में मतलब आप लोगों से भी मिली थी क्या ये? अगस्त में वो अगस्त 2nd to 7th हमारे घर के सामने बगल में वो और उसकी फ्रेंड आई थे, दोनों ने एक अपार्टमेंट रेंट किया था। okay. यहाँ पे कोविड था तभी, सो सब लोग जो भी चलने के लिए जाते थे तो शी वुड ऑल्सो स्टार्ट वॉकिंग, और वैसे बात होती थी विद, शी स्टार्टेड कनेक्टिंग विद माई हस्बैंड, यू नो, के साथ में चलते हैं, बात करते हैं, हाय हेलो, दैट काइंड ऑफ थिंग। ओके, एंड देन शी केम डाउन इन अप्रैल एंड शी केम डाउन नाउ इन मई, एक वीक के लिए तभी अगस्त में थी दैट वी नो ऑफ, एंड देन अप्रैल में थी एक वीक या मोर, एंड अभी मई में। आपसे मुलाकात करी है कभी ये जो महिला थी, आपसे कभी मुलाकात हुई है? नहीं, मैं कभी नहीं मिली हूँ उनको। तो खाली चौकसी सर मिले हैं? And his other friends, walking friends है, full associates, सब लोग जो थे, जब देखते थे चलते, hello, hi, goodbye, वो तो होता ही है ना। और मैम आपको 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 क्या पता लगा मेहुल चौकसी गायब कब हुए एंटीगुआ से, और वो डोमिनिका कब पहुंचे, आपको कब जानकारी मिली, लास्ट टाइम आपकी मुलाकात कब हुई थी, आपकी फोन पर कब बात हुई थी मेहुल चौकसी से? वो अगवा हुए उससे पहले मैंने उनको लास्ट देखा 5-10 को, वो घर से जब ही निकला। ओके, डिनर के लिए। मैम डेट क्या थी? 23rd of May 5:10 PM राइट। और आप भी उनके साथ ही रह रहे हैं मैम एंटीगुआ में, मेहुल चौकसी के साथ ही रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं मैम? 2018 July। ओके ओके, और जब मिले डोमिनिका में, जब मिले हैं मेहुल चौकसी, उनके जो चोट लगी हुई है शरीर पर, उन्होंने आपसे कोई बात करी या लीगल टीम ने क्या बताया उनको चोट कैसे लगी, और वो महिला कहाँ गई जिससे वो बात करते थे मैम? वो ओके, सो अकॉर्डिंग टू यहाँ का इन्वेस्टिगेशन,
दिस लेडी मे हैव हैज लेफ्ट एंटीगा जो रात को ये हुआ तभी या नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और वो कहाँ है वो नहीं मालूम है। उसका फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट इट वाज जब भी वो लॉयर मिस्टर वेन थे, वो सुबह 7:30 को थर्सडे मॉर्निंग को ही मैनेज टू गो एंड सी माय हस्बैंड, बिकॉज जो पुलिस ऑफिसर आए उनको मालूम नहीं था कि इंस्ट्रक्शंस था, ही वाज नॉट अलाउड टू मीट हिज लॉयर्स। आप लोगों के वकीलों का कहना है कि वो एंटीगुआ के नागरिक हैं, उन्हें वहां भेजा जाए, लेकिन भारत सरकार और जो भारतीय एजेंसियां हैं वो ये चाहती हैं कि उन्हें भारत वापस लाया जाए, इस बारे में क्या जानकारी मिली है मैम? रियली मेरे को नहीं मालूम है क्या हो रहा है, बिकॉज़ आई एम अ नर्वस रैक। ये अनहर्ड ऑफ सिचुएशन है कि इतनी इंटरनेशनल लॉज तोड़ रहे हैं, इतना ह्यूमन लाइफ के लिए डिसरिगार्ड है। ओके, आई एम अ रैक। आप कुछ कहना चाहते हैं? आपके हस्बैंड है मेहुल चौकसी, लेकिन जो एलिगेशंस हैं उनके ऊपर, जो मुंबई पीएनबी जो घोटाला के जो एलिगेशंस हैं 13,500 करोड़ रुपए के, उनके ऊपर और नीरव मोदी के ऊपर, आप कुछ उसके बारे में अपनी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं मैम? आई जस्ट नो वन थिंग, एलिगेशंस केस चल रहा है, आप लॉयर्स के साथ या केस पेपर्स देख सकते हैं, राइट? एंड उसमें माय हस्बैंड हैज आल्सो ऑफर्ड टू बी इंटरव्यूड बाय द एजेंसीज, वीडियो और इन पर्सन, बट इट वाज डिक्लाइंड बाय द एजेंसीज, राइट? इट्स हैपेंड इन कोर्ट, कोर्ट रिकॉर्ड्स में है, कोर्ट रिकॉर्ड्स। मैम, हालांकि आपके जो एडवोकेट्स हैं, जो लीगल टीम आपकी डोमिनिका कोर्ट में है, हालांकि उनकी ये दलील है कि वो एंटीगुआ के नागरिक हैं, भारतीय एजेंसियां चाहती हैं वो भारत में आए, ये तो जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी वो देखने वाली बात होगी, लेकिन आप उनकी वाइफ हैं, एज ए वाइफ आप क्या चाहते हैं कि जो एलिगेशन जिस कंट्री में लगे हैं, जो पीएनबी बैंक में जो 13,500 करोड़ का घोटाला है, या फिर जो भी ज्वेलरी के बिजनेस में जो अलग अलग आप लोगों की फर्म्स थी, आप क्या चाहते हैं कि जिस देश के एलिगेशन लगे हैं इंडिया के, आप क्या समझती हैं कि उन्हें वापस इंडिया आना चाहिए, यहां पर उन्हें जो लॉ को फॉलो करना चाहिए या लॉ को फेस करना चाहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, मैं क्या सोच रही हूँ कि लॉ, ये जो अभी सब हुआ जो है, लॉ हैज नॉट बीन फॉलोड, इंटरनेशनल लॉ हैज बीन ब्रोकन, ट्रीटीज हैव बीन ब्रोकन, तो कौन सा लॉ कौन फेस करेगा? ये कैसे, ये राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ अस इज अ केस ऑफ किडनैपिंग and will be, can become a hostage situation. So, pehla, I think we need to address the matter at hand. Hi, I'm Surbhi Sharma. खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।